बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और कल आप लोगों की मीटिंग है, उसको मैं रिमाइंड करवा रही हूँ दोबारा से आपको। 5 बजे आप लोगों ने आना है और ये आपकी एक फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग है। आपके सब टीचर्स, आपके जो सब्जेक्ट रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो सब होंगी, तो और आपके प्रिंसिपल होंगे, ठीक है। और मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ ये मीटिंग, तो आप लोगों ने आना है उसके अंदर, और सबकी प्रेजेंस जो है वो मैंडेटरी है, ठीक है। सो जो हमारा लास्ट लेक्चर था गेट के ऊपर था, ठीक है, और आज हम वॉकिंग गेट्स पढ़ेंगे। अच्छा, वॉकिंग गेट्स को हम एम्बुलेशन एड्स भी कहते हैं, ठीक है। ये जाहिरी बात है, जिस तरह आप देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, इट्स योर 35th लेक्चर, ठीक है। इस पिक्चर के अंदर देख रही हैं सारी क्या हैं, आपको हेल्प कर रही हैं आपको चलने में, ठीक है। जैसे पोस्ट ऑपरेटिव जब आप चलना स्टार्ट करते हैं या ठीक है ट्रांसफर स्टार्ट करते हैं, तो इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये इन्हें आपको मतलब बगैर किसी और किसी बंदे की मदद के बगैर आप इन जो हैं ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये जो एड्स हैं डिफरेंट, इससे आप चल सकते हैं, ठीक है, आप वॉक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वॉक जाहिरी बात है जो एक नॉर्मल वॉक होती है उस तरह तो नहीं होगी, लेकिन ये क्या है कि आप अपने लाइफ स्टाइल, ठीक है, आप अपने दोबारा लाइफ स्टाइल, अब जो अपनी आपकी डेली लिविंग जो आपकी एक्टिविटीज हैं उसे आप कंटिन्यू ऐसा ऐसा करना स्टार्ट कर देते हैं बेसिकली, ठीक है। और इनके जो गेट पैटर्न्स हैं वॉकिंग गेट्स के साथ, वो हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे जब हम हर जो टाइप है डिस्कस करेंगे, जिस तरह क्रचिज हैं, केन्स हैं। अब जिस तरह मैं अगर आपको इस पिक्चर में दिखाऊं, ये वॉकर है, ठीक है, और अगर आप राइट साइड पे आ जाएं, ठीक है, राइट साइड पे जो तीन स्टिक्स टाइप पड़ी हुई है, दीज आर क्रचिज, ठीक है। आपने देखा होगा राइट साइड पर अगर आप आए, तो ये क्या है, क्रचिज है। तो वॉकिंग एड्स क्या है? वॉकिंग एड इज अ डिवाइस डिजाइन टू असिस्ट वॉकिंग एंड इम्प्रूव द मोबिलिटी ऑफ पीपल who have difficulty in walking or people who cannot walk independently। ये क्या है? walking aids, या इन्हें हम क्या कहेंगे, ambulation aids, ambulatory aids, जो आपको आपकी ambulation में भी मदद करती हैं, या इन्हें walking aids भी कहते हैं, ठीक है। अब क्या है, इससे क्या हो रहा है आपका, आपकी वॉकिंग में असिस्ट कर रही है आप, जाहिरी बात है जब आप, इससे क्या होगा, जो पेशेंट इंडिपेंडेंटली वॉक नहीं कर सकते, यानी कि कोई ऑपरेट हुआ हुआ है, कुछ भी हुआ हुआ है, तो ऐसे वॉक नहीं कर सकते, इनकी मदद से वो क्या कर सकते हैं, उनकी अपनी वॉक कर सकते हैं, ठीक है, अपनी उनकी इम्प्रूव कर, ये मोबिलिटी इम्प्रूव करती है, ठीक है। और वॉकिंग एड्स अब देखें, जब अब सिर्फ बंदा बेड के ऊपर ही लेटा होगा तो क्या हो जाएगा, आपके ब्लड सप्लाई भी ठीक नहीं होगी। अगर वॉकिंग एड से आप चलने की कोशिश करेंगे, बेशक वो उस तरह की नॉर्मल जो आपकी गेट होती है उस तरह का नहीं है, लेकिन इससे क्या होगा, आपकी सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी, ठीक है, आपके मसल्स बेहतर होंगे, तो इस वजह से इनका बहुत यूज है वॉकिंग एड्स का, पोस्ट ऑपरेटिव तो बहुत यूज है, ठीक है। और जिस तरह आपको एम्पुटेशन हो जाती हैं, मतलब ठीक है, टांग मतलब जो कट जाती है, एम्पुटेशन पता होगा आप लोगों को, एम्पुटेशन में उसकी भी टाइप्स हैं, बिलो नी, ठीक है, अबव नी एम्पुटेशन, उसके अंदर भी जाहिर बात है फिर ये मदद करती है कि बंदा सिर्फ बेड पे ना रहे, वो एटलीस्ट वो चल सके, अपनी मोबिलिटी उसकी कंप्रोमाइज ना हो। सो पर्पज ऑफ वॉकिंग एड्स क्या है? इंक्रीज एरिया ऑफ सपोर्ट और बेस ऑफ सपोर्ट। अब जाहिर बात है वॉकिंग एड की जरूरत तभी पड़ रही है ना जब आपकी स्टेबिलिटी कंप्रोमाइज हुई है, ठीक है, आपका बेस ऑफ सपोर्ट में कोई मसला आया है, तो क्या हो जाएगा, जब एक एडिशनल चीज आपके साथ होगी तो उससे क्या होगा, आपका एरिया इंक्रीज हो जाएगा, बेस ऑफ सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगी, आपके चलने में आसानी होगी, ठीक है। और जाहिर बात है अब जब स्टेबिलिटी और बेस ऑफ सपोर्ट आपकी उसमें प्रॉब्लम आएगी, तो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी आपकी बॉडी से इधर उधर जाएगी, आप गिर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वॉकिंग एड्स आपकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को है वो आपकी सपोर्ट विद इन सपोर्ट रखते हैं, ठीक है। सो और ये क्या करते हैं, वेट जो आपके जो इंजर्ड लिम्ब है या कोई इन्फ्लेमेशन हुई है किसी लिम्ब पर या कोई इंजरी हुई है किसी लिम्ब पर और उस पर वेट नहीं डालना, तो ये क्या करते हैं, ये वेट उस पर क्या करते हैं, उस पर डिक्रीज करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब दूसरी तरफ ज्यादा कर देंगे उस पर कम कर देंगे ऐसे, ठीक है। वीक मसल्स हैं तो आप यूज करेंगे, पेन को डिक्रीज करते हैं, जाहिर बात है वॉकिंग एड के बगैर अगर कोई बंदा चलेगा तो जहां पे उसकी इंजरी है जिस टांग पे, जाहिर बात है उस पर वजन डलेगा, पेन होगा, अगर इसके साथ यूज करेंगे तो पेन में कमी आएगी, बैलेंस इंप्रूव होगा
और प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है। जाहिर बात है जब आप चलेंगे आपके जॉइंट्स पर वजन डलेगा, आपके जॉइंट्स एक्टिवेट अंदर रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे तो आपकी सारी प्रोप्रियोसेप्शन जो है वो भी इम्प्रूव होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द पर्पज ऑफ वॉकिंग गेट्स। अच्छा अब ये देखें, ये भी एक वॉकिंग गेट है, ये वॉकर है, ठीक है। वॉकर्स की भी आगे टाइप है, टाइप्स हैं, ये हम पढ़ेंगे। अच्छा फंक्शंस ऑफ वॉकिंग एड्स क्या है, इंक्रीजर, ये वही बात है, इसके अंदर वही पुरानी वाली बातें हैं कि प्रोवाइड सेंसरी फीडबैक, ठीक है, इंप्रूव प्रोप्रियोसेप्शन, बैलेंस इंप्रूव कर रहा है, वेट बीरिंग आपके जो है वो क्या कर रहा है कि आपके वेट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ऐसे कि आपकी जो इंजरी वाली लिम्ब है उसके ऊपर वेट ना पड़े और डले, ठीक है, तो ये बर्दाश्त ना है वो कह सके ना, वो ये भी तो हो सकता है, तो इसे वेट मैनेज करता है, ठीक है आपका। और वही पुरानी बात जो पिछली स्लाइड में मैंने की है कि पेशेंट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी और एरिया ऑफ सपोर्ट इंक्रीज होगा। अब एम्बुलेशन ट्रेनिंग या वॉकिंग गेट के साथ जो ट्रेनिंग है, ठीक है, एम्बुलेशन क्या है कि आप मतलब ठीक है आप वॉक कर रहे हैं, आप चल रहे हैं थ्रू वॉकिंग एड्स, ये आप एम्बुलेशन है, ठीक है। और एम्बुलेशन और गेट में यही डिफरेंस है कि गेट तो एक साइकिल है ना, कि उसके अंदर स्टेप्स आप एक अलहदा साइकिल है, स्टेप है, स्ट्राइड है। एम्बुलेशन में क्या है, आप ठीक है इन डिवाइसेस के थ्रू आप चल रहे हैं। सो जॉइंट रेंज ऑफ मोशन एंड मसल स्ट्रेंथ क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, आपके मसल अपर लिम्ब, जाहिर बात है अपर लिम्ब आपकी क्या है, उन्होंने क्रचेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपर लिम्ब आपकी उसमें अच्छी स्ट्रेंथ होगी तो आप क्रचेज के साथ वॉक कर सकेंगे ना। इसी तरह अगर आप लोअर एक्सट्रीमिटी वॉकर या फ्रेम्स के साथ चलना है, ठीक है, तो आपकी लोअर एक्सट्रीमिटी की स्ट्रेंथ और वो अच्छी होनी चाहिए, रेंज ऑफ मोशन अच्छी होनी चाहिए। तो इन हमेशा जब भी हम क्रचेज या ये चीज़ें पेशेंट को ठीक है हम देती हैं ये, तो उनसे पहले हम उनकी जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्रचेज देनी है तो उसके अंदर अपर एक्सट्रीमिटी यूज होगी, तो उसके अपर एक्सट्रीमिटी को हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं ताकि वो एटलीस्ट इसके चलने के काबिल हो सके, इस पर चलने के, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ट्रंक बैलेंस वो इंपॉर्टेंट है, एंड इम्पेयरमेंट इन सेंसरी परसेप्शन, ठीक है, वो नहीं होनी चाहिए, ये इन चीजों पर पहले वर्क करते हैं। अच्छा वॉकिंग एड्स, अच्छा अब वो ये कह रहे हैं कि वॉकिंग गेट्स जो हैं ये उसने टाइप्स बताई हुए हैं कि बहुत ठीक है, नंबर ऑफ वॉकिंग गेट्स आर अवेलेबल टू असिस्ट पीपल हु हैव डिफिकल्टी इन वॉकिंग, ठीक है। तो उसमें क्या है, स्टिक्स, केन्स, ये जो मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो क्रचेज हैं, ठीक है, राइट साइड पे अगर आप राइट साइड पे आए और आप राइट साइड के राइट साइड से आगे जाएं और उससे आगे जाएं, ये जो एक केन पड़ी हुई है बेसिकली, ठीक है, स्टिक्स ही पड़ी हुई है, दिस इज केन, केन भी कहते हैं और स्टिक भी कहते हैं इसे। और पैरेलल बार्स मैं आपको आगे दिखाती, ये है पैरेलल बार्स, ठीक है, सबसे नीचे जो पिक्चर में सबसे नीचे है पैरेलल बार्स, ये भी आपके बैलेंस भी इंप्रूव करते हैं और चलने में भी मदद आपको मिलती है इससे, ठीक है। उसके बाद क्रचेस की मैं बात कर चुकी हूँ, फ्रेम्स, ठीक है, ये जो एक वॉकर टाइप पड़ा हुआ है, ठीक है, ऊपर सबसे ऊपर लेफ्ट साइड पे अगर आप जाएं, लेफ्ट साइड पर देखें और लेफ्ट साइड में ये वॉकर टाइप जिसके चार ठीक है, जिसकी बेस ऑफ सपोर्ट आपको सबसे ज्यादा नजर आ रही है, दिस इज बेसिकली वॉकर। व्हील चेयर्स हैं, स्कूटर्स हैं, स्कूटर्स में आगे आपको दिखा, ये जो है ये स्कूटर लेफ्ट राइट साइड पे अगर आप देखें जिसपे लड़की खड़ी हुई है, ये क्या है, ये नी स्कूटर है, ठीक है, आपकी कोई एम्पुटेशन हुई हुई है नी की, ठीक है, नी से बिलो एम्पुटेशन हुई हुई है या कोई इंजरी हुई हुई है, तो यह इससे क्या हो रहा है, बेस ऑफ सपोर्ट भी इंक्रीज हो रही है, देखें बेस ऑफ सपोर्ट इंक्रीज हो रही है, आपको चलने में आसानी हो रही है, आपको मतलब एम्बुलेट करने में आसानी हो रही है, आप ट्रांसफर, आप मूव अराउंड, ठीक है, मूव अराउंड क्या है, ये एम्बुलेशन में बेसिकली हम मूव अराउंड का वर्क यूज करते हैं, वॉक अराउंड का वर्क यूज करते हैं। और गेट क्या है, जो स्पेसिफिकली एक पैटर्न को फॉलो कर रही होती है, ठीक है, ठीक है। स्टेयर लिफ्ट, ठीक है, जो आपने देखा होगा कि कुछ बंदे नहीं चल सकते कि वो फिर लिफ्ट के थ्रू मूव करते हैं, ब्रेसेस, प्लेंट्स, ठीक है। और वो क्या कह रहे हैं कि इन डिवाइसेस के ज्यादा हम स्कोप कैसे बढ़ा सकते हैं, ये तो वैसे बाहर की कंट्रीज में ऐसा होता है कि उनमें ना टेक्टाइल और ये ऑडियो उनमें सेंसर्स लगे हुए होते हैं, वो ये होता है कि अगर बंदा कोई अपनी एक जगह से डेविएट हो रहा है तो फौरन वो सेंसर एक्टिवेट हो जाते हैं और पेशेंट को नहीं अब आप गलत जा रही हैं तो आप सीधे हो जाएं, ठीक है, वो गिरने से बचाते हैं उन्हें और इस तरह करके उनकी बेस
के अंदर अंदर वो वॉक करती हैं, ठीक है, बेस के अंदर अंदर चलती हैं, स्टेबिलिटी उनकी ठीक रहती है, इस तरह करके वो टेक्टाइल सेंसर्स बेसिकली लगा देती हैं। अगर कोई थोड़ा सा भी बंदा, जैसे फॉर एग्जांपल अब एक बंदा गिरने लगा है, तो वो सेंसर लगे होंगे, फौरन उसे पता चल जाएगा नहीं ये मेरा ये वाला जो पैटर्न ठीक नहीं है, तो मैं उसे फौरन से ठीक कर लूँ, ठीक है। ये ऐसे करके होती है। ये अगर आप लेफ्ट साइड पर देखें, इस पिक्चर के अंदर लेफ्ट साइड पर सबसे टॉप पर दिस इज केन स्टिक, और उसके आगे देखें तो एक जहाँ पे एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई है, ठीक है, वो ये वॉकर है। और राइट साइड पर देखें जो ठीक है एक यंग लड़की खड़ी हुई है, ये दिस इज स्कूटर, और नीचे मैं जो सबसे नीचे है दिस इज पैरेलल बार। मैंने सबके बारे में आपको बता दिया कि अच्छा जो वॉकर है, वॉकर ये जिस तरह हम हिप की सर्जरी होती है कि हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, नया हिप जॉइंट वहाँ पे उन्होंने लगाया, आर्टिफिशियल हिप जॉइंट, आर्टिफिशियल नी जॉइंट लगाया है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये इस वॉकर इन्हीं वॉकर के ऊपर उन्हें सबसे पहले चलना सिखाया जाता है ताकि उनकी जो स्वेलिंग एटलीस्ट वो रिड्यूस हो, उनको पोस्ट ऑपरेटिव जो उन्हें वॉक करवाई जाती है, ठीक है, वो इसके ऊपर उन्हें वेट बीरिंग बेसिकली सबसे पहले वॉक से पहले वेट बीरिंग कराई जाती है, उनके पांव जमीन पे वजन हल्का हल्का डलवाया जाता है उन्हें, ठीक है। तो ये वो वॉकर उसमें बहुत यूज होते हैं। और बैलेंस, ये जो आपके पैरेलल बार्स हैं, ये कोऑर्डिनेशन जिनकी कंप्रोमाइज होती है उनमें बहुत ज्यादा, ठीक है, बैलेंस कंप्रोमाइज होता है, तो एटलीस्ट वो दोनों तरफ से पकड़ के उन्हें चलती हैं, ठीक है। वैसे पोस्ट ऑपरेटिव भी यूज होते हैं, लेकिन जिन्हें बैलेंस और कोऑर्डिनेशन का मसला होता है उसके अंदर भी ये पैरेलल बार्स के ऊपर ट्रेनिंग करवाई जाती है, गेट ट्रेनिंग, ओके। सो वॉकिंग एड्स वॉकर हैं, क्रचिज हैं, केन हैं, पैरेलल बार्स हैं, स्कूटर्स हैं, ठीक है, और केन्स में फिर आगे टाइप्स हैं, ट्राईपोड होते हैं जिनके नीचे तीन, जिसकी बेस ऑफ सपोर्ट नीचे तीन, आगे मैं आपको दिखाऊंगी ट्राईपोड। या अगर आप इसमें देखें, इस पिक्चर में आप लेफ्ट साइड पर देखें जो फर्स्ट पिक्चर है जिसके नीचे चार, ठीक है, चार से सपोर्ट मिली हुई है, लेफ्ट साइड पर फर्स्ट पिक्चर, दिस इज क्वाड्रीपोड, ठीक है। इसी तरह ही अगर इसका एक आप मैं पाँव खत्म कर दूं तो दिस इज ट्राइपोड। तो अच्छा, अब ये क्यों, कैसे सिलेक्शन की जाती है कि कौन सी जो वॉकिंग एड है वो बेस्ट है पेशेंट के लिए, स्टेबिलिटी ऑफ पेशेंट पे देखा जाएगा, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब की स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब्स होना चाहिए, एंड आपको ठीक है वेट डिग्री ऑफ रिलीफ फ्रॉम वेट बेयरिंग ये पता होना चाहिए कि अगर ये वाला इंजर्ड एरिया है, ठीक है, ये वाली लिम्ब जो है वो अफेक्टेड लिम्ब है, ठीक है, उसके ऊपर कितना वेट डालना है या उसके ऊपर बिल्कुल वेट नहीं डालना और सारा दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब हो सकता है कि एक लिम्ब उस बंदे की ड्यू टू ठीक है कोई एक्सीडेंट है किसकी वजह से वो कट गई है, एम्पुटेशन हुई हुई है, तो जाहिर बात है फिर उसके ऊपर तो वजन नहीं आएगा, फिर जो आपकी जो एक टांग है उसके ऊपर वजन आएगा, तो ये चीजें मैंने देखना जरूरी होती है। ये वही है पिक्चर जो आगे मैं डिस्कस करने लगी हूँ, ठीक है। अब वेट बेयरिंग स्टेटस पता होना चाहिए, ये इन चीजों को हमें बहुत पता होना चाहिए, ये टर्म्स हैं, जैसे FWB फुल वेट बेयरिंग, ये क्या है, देर आर नो रिस्ट्रिक्शन एंड क्लाइंट, इसमें क्या है कि 100% बॉडी वेट जो है ना वो लोअर एक्सट्रीमिटीज के ऊपर है, ये है फुल वेट बेयरिंग। नॉन वेट बेयरिंग है कि लोअर NWB जिसे हम कहते हैं कि कोई भी वेट आपकी लोअर जो जो इस बॉन्ड ऑन द कोई जो आपकी इन्वॉल्व्ड लिम्ब है, ठीक है, इन्वॉल्व्ड लिम्ब यानी कि जो अफेक्टिव लिम्ब है उसके ऊपर बिल्कुल भी वेट बेयरिंग नहीं है। पार्शियल वेट बेयरिंग, क्लाइंट इज अलाउड टू बियर ओनली अ पोर्शन ऑफ बॉडी वेट ऑन लोअर एक्सट्रीमिटीज। पार्शियल वेट बेयरिंग क्या है कि सिर्फ जो हम पार्शियल वेट बेयरिंग जिस तरह ये पोस्ट ऑपरेटिव जब हम जब ऑपरेशन ऑपरेट होता है या ये नी हिप और नी ठीक है आर्टिफिशियल हिप और नी लगाए जाते हैं उसके बाद क्या होते हैं इसे नी एंड हिप आर्थ्रोप्लास्टी कहते हैं। उसके बाद जब पेशेंट को हम सबसे पहले जो वेट बेयरिंग स्टार्ट कराते हैं पहले टो टच ठीक है हल्का टो टच करवाते हैं सिर्फ आपके टो वेट बेयरिंग को सिर्फ हल्का सा आपने तो जमीन पे आप टच करें ठीक है। उसके बाद पार्शियल वेट बेयरिंग पे हम आहिस्ता आहिस्ता आते हैं कि आपने पूरा बॉडी वेट नहीं डर लगाना इतना कि आपका पूरा ठीक है आप पोर्शन या आप आधा वेट ठीक है सारा वेट बॉडी पे नहीं डालना थोड़ा उसका आधा उसके अंदर से आपने अपनी लोअर एक्सट्रीमिटीज पे डालना है ठीक है। और वो जैसे फॉर एग्जाम्पल बंदा केन ठीक है वो वॉकर के ऊपर खड़ा होगा ये वॉकर है वॉकर मैं आपको दोबारा दिखा दूं ये जो बूढ़ी औरत जिसमें खड़ी हुई है जो एक फ्रेम सा है दिस इज बेसिकली फ्रेम अच्छा ऐसा ही होता है वॉकर भी ठीक है वो उसके आगे व्हील्स भी समटाइम व्हील्स भी लगे हुए होते हैं
ठीक है। तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, कहते हैं पार्शल वेट बियरिंग करनी है, सारा का सारा वजन पाँव पे नहीं डालना, थोड़ा सा, यानी कि आप अपनी अपर एक्सट्रीमिटीज पे बियर करें और बाकी आप नीचे ट्रांसफर करें, ऐसे हम पेशेंट को ऐसे करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और टो टच वेट बियरिंग, ओनली टोज ऑफ इफेक्टिव, ठीक है, सिर्फ टोज जो है वो फ्लोर के साथ लग रही है, और ठीक है उतना ही सिर्फ उन पे बैलेंस हो रहा है। और वेट बियरिंग एज टॉलरेटेड, यानी कि WBAT, कि जितना पेशेंट की बर्दाश्त है वेट बियर, वो अपनी अपनी एक्सट्रीमिटी जो उसकी इफेक्टिव एक्सट्रीमिटी जो उसकी एक्सट्रीमिटी पे वो कर सकता है, जितनी पेशेंट की बर्दाश्त है, जितना वो बर्दाश्त कर सकता है, वो क्या है, वेट बियरिंग एज टॉलरेटेड, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। अब जो कुछ बच्चे हैं वो कहते हैं कि हम बुक से पढ़ेंगे और हम बाद में पढ़ लेंगे, तो बिलीव मी आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। मैं जिस तरह से आप लोगों को ये लेक्चर आपको दे रही हूँ, ये आपकी बुक में बहुत थोड़ा लिखा हुआ है, और बुक में अगर आप इस तरह पढ़ने लगे ना, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये बात क्या हो रही है, क्योंकि उससे पीछे ये जो बातें हैं, ये आपकी जो बुक आपकी जो आप बुक फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर ये वाली चीजें नहीं है। तो काइंडली ये वाली चीजें करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ये नहीं पता होगा तो वो जो लिखा हुआ है वो समझ नहीं आएगा। अच्छा, अब हम क्रचिस पे आते हैं। क्रचिस अब क्या है, इसकी थ्री टाइप्स होती हैं। एक एक्सिलरी क्रचिस होती हैं, ठीक है, ये एक्सिलरी क्रचिस है। फोर आर्म क्रचिस हैं, फोर आर्म क्रचिस, क्योंकि इस लेक्चर में है नहीं, उसकी पिक्चर नहीं डाली मैंने, लेकिन मैं फोर आर्म क्रचिस आपको दिखाती हूँ। इस में होंगे फोर आर्म क्रच, हाँ ये वाली, इस वाली पिक्चर में जो राइट साइड है, राइट साइड पर अगर आप देखें जो पिक्चर है, राइट साइड पर फर्स्ट पिक्चर है, ठीक है, वो दो, दिस इज फोर आर्म क्रचिस, और एल्बो क्रच भी ऐसा होता है। एल्बो क्रच बेसिकली क्या होगा, वो आपके एल्बो से स्टार्ट होगा, उसका जो हैंड कफ है वो एल्बो पे आएगा, और जो फोर आर्म क्रच है वो एल्बो से नीचे उसका हैंड कफ आएगा। ये जो ऊपर सबसे टॉप पे कफ्स है ना, अगर एल्बो क्रचिस में एल्बो पे होगा तो वो एल्बो क्रचिस है, और फोर आर्म क्रचिस में क्या है कि वो एल्बो से नीचे होगा, तो वो फोर आर्म क्रच है, ठीक है। और फिर गटर क्रचिस हैं, वो उसके जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको उसकी पिक्चर भी डालूंगी, वो आपको अगर मैं इस तरह बोलूंगी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो अब ये जो है वो क्या क्रचिस क्या करते हैं, यूज टू रिड्यूस वेट बियरिंग ऑन वन और बोथ लेग्स, ठीक है। अब हो सकता है पेशेंट की एक लेग एक लिम्ब ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटी ठीक है, लोअर लिम्ब ठीक है, और एक ठीक नहीं है, एक अफेक्टेड है, तो देखा जाएगा कि वेट बियरिंग ऑन वन, वो रिड्यूस करते हैं वेट बियरिंग वन लिम्ब पर, या फिर बोथ लिम्ब पे भी कर सकते हैं अगर दोनों की एम्पुटेशन हुई है, फॉर एग्जाम्पल, तो जारी बात है फिर, और सिर्फ फिर क्या है, फिर तो अपर एक्सट्रीमिटी से ही वो कर रहा है ना, अपर एक्सट्रीमिटी के थ्रू ही चल रहा है, ठीक है। और अगर क्या है, एक है तो वेट बियरिंग ऑन वन, और अगर दोनों पे करना है तो वेट बियरिंग ऑन बोथ लेग्स, रिड्यूस वेट बियरिंग ऑन बोथ लेग्स, गिव एडिशनल सपोर्ट वेयर बैलेंस इज इम्पेयर्ड एंड स्ट्रेंथ इज इनएडिक्वेट, ठीक है। सो एक्सिलरी क्रचेस अब क्या होती हैं, फॉर पेशेंट गुड बैलेंस एंड स्ट्रांग फॉर आर्म, ये किन लोगों के लिए होते हैं एक्सिलरी क्रचेस, कि उनका बैलेंस गुड हो और उनकी स्ट्रांग, उनकी फॉर आर्म जो है उनकी मतलब अपर एक्सट्रीमिटी अच्छी होनी चाहिए एक्सिलरी क्रचेस में। इसमें कुछ मसल्स हैं वो आप लोगों ने भी सर्च करने हैं, ठीक है। अब देखें शोल्डर, अब आप इस फील करें शोल्डर के डिप्रेसर्स अपर एक्सट्रीमिटी में कितने इंपॉर्टेंट हैं, शोल्डर के एडक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जो उन्होंने पेक्टोरल्स आपके लेटिसमस डॉर्साई आ रही है साइड पर, ठीक है, ये वाले मसल्स जो हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए एक्सिलरी क्रचिस के लिए। अब आप फील करें लेटिसमस डॉर्साई जो है, जाहिर बात है जब क्रचिस साइड पर आ रही है, ये लेटिसमस डॉर्साई है यहाँ पे साइड पर मसल्स, ये चेस्ट की साइड पर, ठीक है, लेटिसमस डॉर्साई, पेक्टोरल्स आपके अच्छे होने चाहिए, शोल्डर डिप्रेसर्स अच्छे होने चाहिए आपके, जो जिस बंदे को हम एक्सिलरी क्रचिस गाइड करेंगे, ठीक है। और आपके एल्बो फ्लेक्सर्स अच्छे होने चाहिए, फिंगर फ्लेक्सर्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है। देखिए इस में बिल्कुल भी इसमें लिखा नहीं हुआ, और मुझे भी पढ़े हुए इस टाइम हो गया, मैंने दोबारा ये देखिए मेरे जहन में वो मसल्स आ रही हैं खुद, कि कौन कौन से मसल्स, एल्बो फ्लेक्सर्स आपके कितने अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो एल्बो एक्सटेंसर्स अच्छे होने चाहिए, कि एल्बो फ्लेक्सर्स को वो अलाउ करें मूवमेंट करना, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम देखें ये जो ऊपर है, इसके ऊपर आ जाएं हम, इस वाली पिक्चर पे आए, ये जो सबसे टॉप है, ठीक है, दिस इज एक्सिलरी पैड, ठीक है, ये जो सबसे ऊपर, इस पिक्चर को सबसे ऊपर से देखें, ये एक्सिलरी पैड है, फिर दरमियान में आए, ठीक है, ये क्या है, जहां से बंदा पकड़ेगा, इसे कहते हैं हैंड ग्रिप या हैंड पीस, ठीक है। और जो नीचे जहां से जमीन से टच हो रहा है, और नीचे ये एक रबर टाइप लगा हुआ है, दिस इज फेरल
रबर फेरली से कहते हैं, ठीक है। अब इस पिक्चर में देखें, जहां पे देखें जो अंडर आर्म के नीचे है, दिस इज एक्सिलरी पैड जहां से बंदे ने पकड़ा हुआ है, दिस इज हैंड पीस और हैंड रबर फेरल कहाँ है, जो नीचे जमीन पर, ठीक है, जो है दिस इज रबर फेरल है, ठीक है। अच्छा, द पोजिशन ऑफ हैंड पीस एंड टोटल लेंथ आर यूजली एडजस्टेबल। वो कह रहा है कि अब ये जो हैंड पीस और ये जो लेंथ है एक्सिलरी क्रच की एडजस्टेबल है, हाइट के हिसाब से एडजस्ट की जा सकती है, बंदा बड़ा बंदा है तो उसके हिसाब से एक्सिलरी क्रच लंबा हो जाएगा, छोटा है तो छोटा हो जाएगा। और एक्सिलरी पैड जो है वो कहाँ होना चाहिए, शुड रेस्ट अगेंस्ट द चेस्ट वॉल अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे आपके वो जो एक्सिलरी पैड की जो लोकेशन है वो ऐसी होनी चाहिए, चेस्ट वॉल के अगेंस्ट 5 सेंटीमीटर वो उस में, ठीक है। एक्सिलरी पैड शुड बी रेस्टिंग ऑन चेस्ट वॉल अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर। ये पॉइंट्स याद करने, ठीक है, ये आपको मेमोराइज ही करना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब वो ये देखो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहा है कि बिलो द एपेक्स ऑफ एक्सिला एंड हैंड ग्रिप एल्बो स्लाइटली फ्लेक्स व्हेन वेट इज नॉट। अब वो कह रहे हैं कि जब अभी ऐसी पोजीशन है कि अभी वेट बियरिंग नहीं हुई हुई, ठीक है, वेट अभी बियर नहीं किया हुआ, ठीक है, वेट बियरिंग नहीं हुई हुई, यानी कि अभी आपने सिर्फ उसके ऊपर वेट डाला नहीं है एक्सिला एक्सिलरी क्रचेस पे, तो तब जाहिर बात है आपकी पोजीशन क्या होगी, एल्बो आपके स्लाइटली फ्लेक्स्ड होंगे। व्हेन वेट इज नॉट बीन टेकन, जब आपने वजन नहीं लिया, ठीक है, वजन उस पर नहीं डाला होगा एक्सिलरी क्रच पे, लेकिन जो ही आप वेट ट्रांसफर करेंगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। अभी देखें ये वाली जो पोजीशन है, क्योंकि इस पिक्चर को देखें, अभी वेट बियरिंग समझ लें, नीचे पांव वगैरह पे ना जाएं, आप समझ लें कि एल्बो फ्लेक्स्ड हुई हुई है, यानी कि वेट बियर उसने नहीं किया हुआ, अभी वेट नहीं डाला हुआ, लेकिन जो ही वो वेट ट्रांसफर करेगा एक्सिलरी क्रच पे तो आपकी एल्बो क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। वेट शुड बी टेकन थ्रू द एक्सिलरी पैड, वेट कहां से टेकन, कहां जारी बात है, कहां से आप ले रहे हैं, एक्सिलरी पैड से, ठीक है। और बहुत से लोगों को फिर ऐसे मसला हो जाता है कि जब ये एक्सिलरी क्रचेस यूज करते हैं उन्हें रेडियल नर्व और ये ब्रेकियल प्रेक्सिस हमारा यहाँ पे आ रहा होता है, ठीक है, उसकी इंजरी हो जाती है, न्यूरोप्रेक्सी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, तो ये कॉमन है ये इंजरी, ठीक है। वो जारी बात है वजन डालते हैं उसके ऊपर, फिर अपनी बॉडी को प्रोपेल करते हैं आगे की तरफ, तो एक्सिलरी पैड जारी बात है यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सिस है, रेडियल नर्व गुजर रही है, तो इंजरी वहां पे हो सकती है। सिंगल अपराइट एक्सिलरी बार कवर्ड विद स्पॉन्जी, अच्छा अब वो क्या कह रहे हैं, एक्सिलरी बार कवर्ड विद स्पॉन्जी रबर पैडिंग हैंड ग्रिप कवर्ड विद मोल्डिंग। अच्छा, वो कह रहे हैं कि एक्सिलरी जो बार है उसकी जो क्या है, रबर पैडिंग है, और जो हैंड ग्रिप है वो क्या है, वो मोल्डेड प्लास्टिक, ठीक है, उसकी वो टेक्सचर बता रहा है जो, और हैंड ग्रिप है जो आपका, ये फॉर एग्जाम्पल ये हैंड ग्रिप है ये मोल्डेड प्लास्टिक का है, और जो जो आपकी वो है एक्सिलरी पैड है वो किसका बना हुआ है, रबर स्पॉन्जी रबर का बना हुआ है, जाहिर बात है इसलिए ताकि चुभे नहीं आपके अंडर आर्म्स में, एडजस्टेबल, ठीक है, एल्बो एंगल और क्रच हाइट की मैं पहले बात डिस्कस कर चुकी हूँ। अब इसके एडवांटेजेस क्या है एक्सिलरी क्रच के, यूज टू रिड्यूस वेट बियरिंग ऑन वन साइड, ठीक है, एक साइड पे भी वेट बियरिंग को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है, और हो सकता है एक टांग उस बेचारे की थोड़ी सी लिंप है टांग में या तकलीफ है, एक पे नहीं वजन डाल सकता तो क्या कर रहा है, दूसरी टांग पे वजन डालेगा, एक टांग पे कम कर देगा, या देख लें कि अगर बिल्कुल नहीं डालना तो खाली दूसरी टांग पे डालेगा, या अगर दोनों ही टांगे तकलीफ में है या टांगे एम्प्यूटेशन हुई हुई है, ठीक है, दोनों साइड की, तो फिर क्या है, दोनों पे वो वेट बियरिंग को रिड्यूस करेगा। गिव एडिशनल सपोर्ट वेयर बैलेंस इज इम्पेयर्ड एंड स्ट्रेंथ इज इनएडिक्वेट कॉमन, और ये कॉमनली क्या है, बाइलेटरल होती है, ठीक है, दोनों तरफ दी जाती हैं, एक तरफ भी होती हैं, लेकिन जब दोनों तरफ जब ज्यादा इम्पेयरमेंट है तो दोनों तरफ। बेस ऑफ सपोर्ट इंक्रीज करती हैं, जाहिर बात है अभी अगर आपका पहले कोई इंजरी हुई हुई है, एक टांग है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और तब बेस ऑफ सपोर्ट इंक्रीज करेंगी, जाहिर बात है साइड पे आ जाएंगी दोनों तो आपकी सपोर्ट इंक्रीज हो गई, ठीक है। और लेटरल स्टेबिलिटी, जाहिर बात है बंदा साइड पे ही गिरने होता है प्रॉन जब कोई इम्पेयरमेंट है कोई लोअर लिम्स में, तो लेटरल स्टेबिलिटी को ये इंक्रीज करती है, ठीक है। अपर एक्सट्रीमिटी ट्रांसफर विद इन रिस्ट्रिक्टेड वेट बियरिंग, ठीक है, और कैन यूज ऑन स्टेयर्स, स्टेयर्स पे क्रचेस को यूज करते हैं, इसके गेट का पैटर्न है, जब मैं क्रचेस में गेट का पैटर्न डिस्कस करूंगी तो मैं आपको गेट ट्रेनिंग बताऊंगी कि गेट पैटर्न क्रचेस में क्या होता है, फिर स्टेयर्स पे चढ़ने के लिए पैटर्न क्या होता है, कौन सी टांग पहले रखती हैं फिर क्रच रखती हैं, कौन सी टांग बाद में रखती हैं, वो मैं आप डिस्कस करूंगी जब हम आगे जाएंगे। अच्छा, अब डिसएडवांटेजेस क्या है, ट्राईपोड स्टैंड रिक्वायर्स लार्ज, वन मिनट,
ट्राईपोड स्टेंस रिक्वायर्ड, सॉरी अजान हो गई थी मैंने इसलिए पॉज कर दिया था. ट्राईपोड स्टेंस रिक्वायर्ड लार्ज बेस ऑफ सपोर्ट. ठीक है, ट्राईपोड ये हम आगे मैं आपको बताऊंगी, ये 2 पॉइंट गेट है, फिर 3 पॉइंट गेट है, 4 पॉइंट गेट है, वो हम क्रचेज में ही आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में पता चलेगा. इसमें ये है कि फॉर एग्जाम्पल अब दो क्रचेज हैं, ठीक है, और एक टांग है, ठीक है, जो जिसपे आप एक टांग पे वेट डाला हुआ है. तो अगर इस तरह वो क्या है कि जब स्मॉलर एरियाज हैं तो बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ जाती है उसके अंदर, दो क्रचेज हैं और एक साथ टांग भी है, ठीक है, तो उसमें एरिया स्मॉल है तो थोड़ा सा वो होता है कि बेस ऑफ सपोर्ट जरा ज्यादा होती है, ठीक है, और सेफ्टी कम्प्रोमाइज मैंने बोले, ठीक है, और जब आप क्राउडेड एरिया में चलना हो तो जाहिर बात है बेस ऑफ सपोर्ट थोड़ी सी नॉर्मली से नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है, तो क्राउडेड एरिया में चलना जरा क्रचेज के साथ मुश्किल है. ठीक है, टेंडेंसी ऑफ सम पेशेंट्स टू लीन ऑन एक्सिलरी बार कॉजेज प्रेशर एट मीडियन नर्व. ठीक है, जो ज्यादा झुक जाती हैं एक्सिलरी बार के पर, ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं, ठीक है, फिर वो आपकी मीडियन नर्व, जो मैंने आपको बताया ब्रेकियल प्लेक्सस है और ये नर्व्स आ रही होती है, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व, रेडियली, सारी उधर से ही निकल रही होती है, तो उन पे प्रेशर डालता है और ठीक है, और वो क्या हो जाते हैं, डैमेज होती है. इस तरह रेडियल नर्व भी डैमेज होती है, एंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर डैमेज होते हैं. अच्छा, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, अब हम देख रहे हैं कि किस तरह पेशेंट, हम किस तरह जब पेशेंट को हम एक्सिलरी क्रच दे रहे हैं तो हमें देखना होता है कि कितनी लेंथ का इसके हिसाब से बेहतर है. तो उसके तरीके होते हैं, जो एक तरीका लाइन में होता है, हम मेजर करते हैं, ठीक है, लेंथ को, और एक हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं इन स्टैंडिंग पोजिशन. ठीक है, और जो लाइन है, लाइन में भी दो तरीके आगे होते हैं, एक हमने शू के साथ मेजर किया और एक हमने शू के बगैर मेजर किया. ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत इजी इजी वर्ड्स में आपको समझाऊं ताकि आपको मसला ना हो, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल और ये जो वॉकिंग एड्स है मैंने इसलिए इसे एंड में रखा था वॉकिंग एड्स को, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो इसे. ठीक है, अब लाइन में जो हम तरीके दो हैं, एक शू ऑफ के साथ और एक शू ऑन के साथ. अब शू ऑफ के साथ क्या है, हम किस तरह लेंथ लेंगे, फ्रॉम एपेक्स ऑफ एक्सिला, ठीक है, एपेक्स ऑफ एक्सिला टू द लोअर मार्जिन ऑफ मीडियल. अच्छा, देखिए शू ऑफ के साथ क्या है, आपने कहां से लेनी है, फ्रॉम एपेक्स ऑफ एक्सिला टू लोअर मार्जिन ऑफ मीडियल मैल्यूलाई. अच्छा, एपेक्स का आपको पता होगा, आप लोगों ने ये एनेटमी में पढ़ा होगा, एपेक्स किस एक्सिला, एपेक्स एक्सिला की कैसे बनती है. ठीक है, इसमें एक आपका क्लेविकल, और क्लेविकल होता है सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैप्यूला. अब वो पिक्चर तो नहीं मैंने डाली, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा होगा अपर लिम्ब में. ठीक है, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैप्यूला होते हैं और इसके और रिब, फर्स्ट रिब. ठीक है, कहाँ कैसे होते हैं, क्लेविकल, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैप्यूला और रिब. ठीक है, ये बेसिकली एपेक्स ऑफ एक्सिला बना रहे होते हैं. अब जब हम आएंगे उधर, मैं हम फिजिकली प्रेजेंट होंगे क्लास में, मैं आपको ये तरीका बताऊंगी, ठीक है, मेजर करने का. तो ऐसे करके ये लेते हैं, और ये क्या है, इजी एंड रिलायबल यही है. अब विद शू ऑफ के साथ, ऑन के साथ, अब आपने जूते पहने हुए, तब क्या, 5 सेंटीमीटर वर्टिकली डाउन, ठीक है, फ्रॉम एपेक्स ऑफ एक्सिला 2.20 सेंटीमीटर लेटरल टू हील ऑफ शू, लेटरल टू हील ऑफ शू. और ये क्या है, ये लेस एक्यूरेट होता है, क्योंकि जाहिर बात है जूता पहना हुआ है वो आपको थोड़ा सा उसके अंदर बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं आ रही होती. और जो मेजरमेंट फ्रॉम एक्सिलरी पैड टू हैंड ग्रिप, जब आपने लेनी है तो आपने स्लाइटली जो है वो कहाँ से लेनी है, स्लाइटली आपकी शोल्डर फ्लेक्स होनी चाहिए, एटलीस्ट 15 डिग्री आपकी जो शोल्डर, वो शोल्डर कह रही हूँ, आपके एल्बो पे फ्लेक्शन होनी चाहिए 15 डिग्री. ठीक है, जाहिर बात है क्योंकि अगर पहले ही बिल्कुल एक्सटेंड के साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो लेंथ सही नहीं आएगी, क्योंकि जब नॉन वेट बीरिंग है तब तो आपकी एल्बो के ऊपर स्लाइटली फ्लेक्जन है ना, और वो फ्लेक्जन कितनी आपने होनी चाहिए, तकरीबन 15 डिग्री. और ये क्या बनते हैं, फ्रॉम अ 0.5 सेंटीमीटर बिलो द एपेक्स ऑफ एक्सिला टू अल्नर स्टेरॉइड. ठीक है, ये चीजें मेमोराइज करनी है. जैसे आपने लाइन में ले रहे हैं विथ शू ऑफ के साथ क्या है, फ्रॉम एपेक्स ऑफ एक्सिला टू लोअर मार्जिन ऑफ मेडियल मैल्यूलाई. ठीक है, और जूते पहने हुए हैं अगर आपने, 5 सेंटीमीटर वर्टिकली डाउन, ठीक है, फ्रॉम एपेक्स ऑफ एक्सिला टू 0.20 सेंटीमीटर लेटरल टू हील ऑफ शू. ठीक है, 20 सेंटीमीटर लेटरल टू हील ऑफ शू, ये आपका क्या है, ये वो लेस एक्यूरेट है जूतों के साथ, विथ शू ऑन और विथ शू ऑफ इजी भी है और रिलायबल भी है. और आपने जो एक्सिलरी पैड टू हैंड ग्रिप जो आपने मेजरमेंट लेनी है, वो आपने कैसे लेनी है, कि आपकी एल्बो जो है वो 15 डिग्री एटलीस्ट उसमें फ्लेक्शन होनी चाहिए,
क्यों होनी चाहिए उसकी मैंने आपको वजह बता दी है कि जाहिर बात है जब आप वेट बेरिंग नहीं कर रहे होते, अगर एकदम से आप एल्बो एक्सटेंशन के अंदर लेंगे तो वो एक्यूरेट नहीं आएगी। नॉन वेट बेरिंग जब आपने वेट ट्रांसफर नहीं किया हुआ एक्सिलरी क्रच पे, तब तो ऐसा हुआ है ना कि आपकी एल्बो उस वक्त फ्लेक्शन में होती है, वो तो जब आप वेट ट्रांसफर करते हैं तो वो एक्सटेंशन में आती है, ठीक है। और वो क्या होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर बिलो द एपेक्स ऑफ एक्सिला टू अल्नर स्टीरॉइड, ठीक है। ये बिल्कुल मेमोराइज करने, ये सेम एज इट इज आएंगे, ठीक है। वंस द पेशेंट स्टैंड विद क्रचेस, पीटी फिजियोथेरेपिस्ट मस्ट कुरेक्ट द वे टू यूज द क्रच एंड टू सी दैट दे डू नॉट अलाउ द एक्सिलरी पैड टू प्रेस इनटू एक्सिला, ठीक है। और वो ये कह रहे हैं कि जब आप कर रहे हो तो फिर हम गाइड, फिजियोथेरेपिस्ट गाइड करेगा प्रॉपर यूज क्रचेस का, और ऐसे भी ना हो कि बिल्कुल धंसे हुए हों आपके एक्सिला के अंदर एक्सिलरी पैड, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए बंदा बेसिकली उसके अंदर, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ एक्सिलरी क्रच क्या है, 2 इंच स्टैंडिंग में अब हम कर रहे हैं, ठीक है। स्टैंडिंग में हम कर रहे हैं 2 इंच, ये लाइन में था और अब स्टैंडिंग में 2 इंच बिलो एक्सिला, 2 फिंगर डिस्टेंस, 2 इंच लेटरल एंड 6 इंच एंटीरियर टू फुट, ठीक है। 2 इंच लेटरल एंड 6 इंच एंटीरियर टू फुट, ये हम नहीं, ये मेजरमेंट्स ये जब हम देते हैं तो ये जो जहां से ये डिवाइसेस मिलती हैं वो बेसिकली वो मेजरमेंट्स करते हैं, ये ऑर्थोटिक वर्कशॉप्स वाले होते हैं, ठीक है। ये मेजरमेंट्स हम सिर्फ गाइड कर देंगे कि इन्हें ये चाहिए, वो मेजरमेंट वो लेते हैं, ठीक है। ये अलहदा एक फील्ड है, वो उनको ये सब चीजें मेजरमेंट लेनी आती होती हैं, तो ये लेकिन आपको एज इट इज मेमोराइज करनी है। 2 इंच लेटरल एंड 6 इंच इंटीरियर टू फुट, एंड हैंड पीस क्या होना चाहिए, 20-30 एल्बो फ्लेक्शन उस पर होनी चाहिए जब हम स्टैंडिंग में ले रहे हैं, ठीक है। और अब वो कह रहे हैं कि हैंड ग्रिप जो कि बहुत नीचे है, वो जाहिर बात है जाहिर, अगर ये जो हैंड ग्रिप है इसे नीचे आप यहां पे कर देंगे, ठीक है, नीचे कर देंगे तो जाहिर बात है आपका प्रेशर एक्सिला पे ज्यादा पड़ेगा। अगर हैंड ग्रिप्स जो है वो बहुत ज्यादा ऊंची है तो क्रचेस ऑकवर्ड लगेगा बंदा क्रचेस, ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है वो हैंड ग्रिप जब ऊपर होंगे आप खुद पोजीशन बनाकर देखें अपनी, तो आपका हाथ किस तरह से जाएगा, तो वो एक ऑकवर्ड पोस्चर आपका बन जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टूडेज लेक्चर।